अच्छा, इसमें एक ही जड़ है और ये एक पूरा पीस है इतना बड़ा। अच्छा, जिस तरह का परिवार के साथ हमें 5:30 बजे और इस वक्त आए हैं सनराइज देखने के लिए। यहाँ पर एक पॉइंट है जिसको बताया गया है कि वहाँ पर जाकर आप सनराइज देख सकते हैं। 50 रुपये की टिकट है एक का ऊपर जाने के लिए। ये है एंट्रेंस, हमने किया एंटर और ये निकल पड़े हैं सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर टॉप पर जाने के लिए। और ये एक मंदिर है जो बना है एक पॉन्ड के किनारे पे। ये वो गेट है जहाँ से हम एंटर करते हैं। वो व्यू देखिए, अभी वो जो लाइट हमें वहाँ दिख रही है वो सनराइज उस तरफ से होता है। सीढ़ियाँ जहाँ ख़त्म होती हैं वहाँ एक वॉच टावर इस तरह से कंस्ट्रक्ट किया गया है। देखिए क्या नज़ारा है इसे। आप सबसे ऊँची जगह पर बाकी सब जो हाइट से व्यू आता है वैसे ही व्यू यहाँ दिखने वाला है जी। सेकेंड फ्लोर के रूफ पर नेपाल गवर्नमेंट ने अच्छा यूज़ किया सिस्टम, इस तरह के वॉच टावर बनाए ताकि आप जाएं और पूरा व्यू एंजॉय कर पाएं। मैं आपको वो जो बिल्डिंग दिख रही है उस बिल्डिंग के नीचे रोड है, उस रोड पे बिल्कुल रोड साइड हमारा रूम है जो हमने लिया। ये आपको जो रेंज दिख रहा है यहाँ पर ये अन्नपूर्णा रेंज इस रेंज को मैं देख पा रहा हूँ क्योंकि इस एरिया में शायद पहली बार आया। कई बार ऐसा होता है कि आप सोच कर आते हैं और चीज़ें ऐसे नहीं हो पाती। सो बादल छाए हैं, बारिश का मौसम लग रहा है फिर से, तो ऐसा लगता है कि भाई सनराइज हमने जो देखा वो 10% था। सूरज महाराज पीछे से निकले पहाड़ के और बादलों में जाके घुस गए एक घर से निकले दूसरे घर में जाके घुस गए बीच में आपको एक झलक मिली और वो भी क्लियर नहीं, लेकिन जो व्यू था अन्नपूर्णा का वो अच्छा था। लेकिन अगर सनलाइट में हम उसको देख पाते हैं तो वो और ब्राइट दिखता। वहाँ पर भी बादल छाए थे, सफ़ेद बादलों ने पूरा ढक रखा है। तो ये जो प्लान था टावर पे आके पूरा स्पेक्टिकुलर व्यू को एंजॉय करने का वो तो मुश्किल सा हो गया। आज का पूरा दिन है हमारे पास काठमांडू के लिए, हम आज रात को ट्रैवल कर रहे हैं। इसके दो फायदे होते हैं। देखिए, जब आप कभी भी घूमने निकल रहे हैं तो आपका जो लॉन्ग डिस्टेंस जर्नी है 5 और 8 आवर्स का, उसको आप हमेशा रात में करिए। एक आपका ट्रैवल हो जाएगा नॉन प्रोडक्टिव टाइम में, क्योंकि नेक्स्ट डे आप अगर आप सोते हुए जाते हैं या थोड़ा कंफर्टेबली चले जाते हैं तो आप अगले दिन साइट सीइंग कर सकते हैं, तो वो टाइम यूटिलाइज कर लें। और दूसरा, आपका होटल के स्टे का खर्चा कम हो जाता है। ट्रैवल की कॉस्ट में ही आपने नाइट का स्टे बचा लिया। लेट्स गो। हेलो हेलो जीत। ओके। आप चलो ना, मिलते हैं अभी, सबको मिलेगा। कम ओके, थैंक यू। योर रुपीज, योर चॉकलेट रेडी? Yes. Down. Let's go. चलो। Thank you. Here, please. Oh, shoes निकाल के आऊँ? तुम्हारा। Okay. हाँ, मैं उधर उसको बिठाना, उसको ठंड लगती है। मैं इधर बैठता हूँ। नहीं, it's okay. वो बैठेगी ना? क्या हुआ? हम लोग अभी एक टिपिकल नेपाली घर की सैर करने के लिए निकले हैं। नीचे ग्राउंड फ्लोर पर ये किचन एरिया है, एक बेड लगा है। नॉर्मल जो फैमिली है नेपाल में ये लोग इसी तरह से यहाँ रहते हैं।
और ऊपर जो स्पेस है उसको काफ़ी धुआं है, यूज़ किया जा रहा है मोर ओवर एक स्टोरेज की पर्पज की तरह। बाहर से भी पर मैं आपको व्यू दिखाता हूँ यहाँ का, बाहर से ये घर कुछ ऐसा दिखता है। खेत है यहाँ पर, एक टिपिकल एक विलेज साइट है। ये वुड भी इकट्ठी की जाती है ताकि यूज़ किया जा सके, और ये घर का व्यू है कुछ इस तरह से। ये रास्ता है जो गांव के क्रॉस करके निकलता है। वेरी गुड, थैंक यू। मुझे बहुत सुंदर लगता है ना, मुझे बहुत सुंदर। और ऊपर से देखो ना पहाड़ की जैसा भी बैठ के देखने, बहुत ही सुंदर। यहाँ से व्यू बड़ा अच्छा है। माँ तो हो गया, मेरा घर गया। फोर फोर क्या माटो हो गया क्या? माटो माटू फोर मट्टी हो गया तो अच्छा है ना, अच्छा है। मट्टी वाला घर अच्छा होता है। मेरे बड़ी मम्मी, बड़ी मम्मी मेरा नाम गुराज, गुराज जो राष्ट्र हमारे राष्ट्रीय फूल है, जो उसको खाते भी है, उसकी चटनी भी बनाते हैं। तो तुम्हारा नाम क्या है? समझाना क्या? समझना 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 SMJNA दुर्गाश फूल की नाम था, गुरस गुरस वाले फ्लावर की चटनी बनाई तुमने? नहीं नहीं पुदीना, अच्छा, और नून, नमक नून, हाँ नून तो बंगाली में बोलते हैं, और लहसुन, लहसुन को क्या बोलते हैं? कांदी मैं अगली बार आऊंगा, मिलेंगे फिर आपसे। अच्छा लगा मुझे आपसे, थैंक्स। अच्छा जी, थैंक यू, थैंक यू। आप अगर हिमाचल में भी जाएंगे तो कुछ ऐसा ही देखने को मिलेगा आपको। पहाड़ों पे जीना आसान नहीं है, अब समझ आ रहा है कि भाई खाना महंगा क्यों है। जहाँ इतने एफर्ट लगते हो थोड़ा सा धान उगाने में, वहाँ क्या हाल होगा? बर्ड की साउंड सुन रहे हो पानी के बहते हुए?
झरने की। ये झरने, पीछे वाला झरना सब जाकर मिलेंगे मादरे रिवर में, तो ये एक तरह से सब्स्टिट्यूटरी है मादरे रिवर की। कि जब आप नेचर के नज़दीक होते हैं तो बहुत कुछ देखने को, सुनने को, सीखने को मिलता है। नहीं भी सीखेंगे तो वो जो साउंड्स यहाँ होंगी, वो जो फ्रेश एयर है, वो जो पीस यहाँ है, वो आपको ऑटोमेटिकली काम डाउन करना शुरू कर देती है। आपकी सोल तक पहुँचती हैं ये चीज़ें, आप अच्छा महसूस करते हैं, आपके अंदर एनर्जी ज़्यादा होती है, और फ्रेश एयर का तो कहना क्या। ऐसा लगता है कि हम लोग अभी धामपुस विलेज की टेरिटरी से बाहर आ गए हैं। यहाँ पर एक वर्ड लिखा है सी यू अगेन, और नेपाली में शायद इसको बोलेंगे फेरी बेटोला। प्रोनाउंसिएशन एग्जैक्टली क्या है शायद नहीं जानता, पर लिखा तो कुछ ऐसा ही है। पर ये मतलब क्या हुआ, ट्विंड विद बीकॉन ब्रेकॉन नहीं ब्रेकन वेल्स यूके, ट्विंड विद ब्रेकन वेल्स यूके, ये तो फॉरेन कंट्रीज़ के नेम है। तो क्या इसका मतलब ये है कि इसको उसी के तर्ज पे बसाया गया है? बहुत अच्छा, मतलब क्या आप भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा मुझे। पर सी यू अगेन फेरी बेटोला। टॉफी चलेगी? टॉफी, टॉफी चलेगी? मैं उधर से टॉफी, मेरे पास तो टॉफी है। ये कागज है बस। ओ तुम तो बहुत सारे हो। टॉफी खत्म, हाँ फिनिश नहीं है, खत्म फिनिश नहीं है, और सारे अगली बार लेके आऊंगा मैं, ठीक है? सॉरी, बाय। तो आप किसी भी देश में घूमने जाइए, नेचर और जो नेचुरल ब्यूटी है वो काफ़ी हद तक एक जैसी ही होगी। एल्टीट्यूड के हिसाब से चीज़ें थोड़ी बदल जाएंगी, अदरवाइज तो सब जगह आपको अच्छा ही लगेगा जा करके। ठंड कहीं ज़्यादा, गर्मी कहीं ज़्यादा, हरियाली कहीं ज़्यादा, और ये खूबसूरत से बच्चे भी कहीं ज़्यादा। हेलो, नमस्ते। नमस्ते। आप बांस लेके जा रहे हैं, क्या करेंगे इनका? देखो बनी। क्या करेंगे? देखो। अच्छा, हाँ, किसके लिए? ये बांस के लिए। बांस के लिए, चलो मिलते हैं। ओके, हेलो, नमस्ते। हाय। हाय हाय। हाँ मथई थी ना, मथई नहीं, हाँ ये लो ना, मेरे पास कुछ है। ये लो, एक एक सबको देना, ठीक है? तीनों एक एक लेना। ये हुई ना बात, चलो चलो आँख में नहीं मार देना। बाय। मुझे बाद में आया कि मेरी एक दूसरी पॉकेट में भी दो चार टॉफीज़ हैं, तो मैंने उसमें से कुछ इनको दिए। उनको तो मैं एक ही दे पाया, इतने सारे बच्चे और एक टॉफी, उस पॉकेट में थी नहीं, इस पॉकेट का मुझे याद ही नहीं रहा। बटरफ्लाइज लोग इस पुल को यूज़ करते हैं कि नहीं करते, कहना तो वाकई मुश्किल है, पर मैं तो कर रहा हूँ। ये स्टील का बनाया हुआ ब्रिज है, स्टील वायर, स्टील नेट, स्टील का बेस। मैं इसके ऊपर अभी चल करके क्रॉस कर रहा हूँ, नीचे पानी बह रहा है लेकिन बहुत कम है। आप इस पे ऐसे चल करके जा रहे हो, व्हाट अ ब्यूटीफुल वे। सम टाइम टेकिंग शॉर्टकट्स इज रियली वर्थ, बट नॉट ऑलवेज। पहुँच गए दूसरे किनारे पर। फिल्मों में ऐसे ब्रिज दिखाए जाते हैं जो हमेशा ये इतनी मोटी तार है, ये वो नट हैं जो खुल जाते हैं उसके कहाँ ऐसा होता है। वी आर इन्जॉइंग अ ब्यूटीफुल ट्रैक नाउ, गेटिंग डाउन फ्रॉम धामपुस। अभी नीचे हम फेडी जाएंगे, और नीचे अब हमें एक विलेज दिखना स्टार्ट हो गया, तो कहीं ना कहीं हम नीचे निकल के उस रोड पर खुद को कनेक्ट करेंगे, वहाँ से हमें बस मिलेगी आगे जाने के लिए।
वो जो ढाबे वाले अंकल थे नेपाली, उन्होंने हमें बताया था कि खुरामुख वो जगह है जहाँ से आप, जहाँ से ये ट्रैक आपको नीचे उतारेगा और वहीं से आपको बस मिलेगी। तो हम खुरामुख पहुँचे हैं अभी, जो फेड़ी के भी आगे है पोखरा की तरफ। तो हमने 1.5 किलोमीटर ज़्यादा, 1-2 किलोमीटर ज़्यादा हम आ गए हैं। यहाँ से बस कितने बजे मिलेगी ये पोखरा के लिए? 4:30 अभी है, आनी है ना, अभी आएगी, अभी 4:20 है। हम निकल चुके हैं पोखरा की तरफ। फिर तक हम रुचक जाते हैं।